CDG Dunia. एक खूबसूरत से तालाब के किनारे चींटियों ने अपना नगर बना लिया था। सभी चींटियां मेहनत करके अपने लिए खाना जमा करती थी। सारा खाना रात भर में इकट्ठा होता था। Sebab
निगरानी के लिए एक मंत्री की आवश्यकता है। मंत्री पद आप में से ही किसी को दिया जाएगा और पद किसे दिया जाएगा इसका निर्णय एक प्रतियोगिता से होगा। सुनिए, आप सभी में बीज बांट दिए जाएंगे। उन बीजों में से सुंदर सुंदर पौधे उगाएंगे। जिसका पौधा सबसे सुंदर होगा उसे ये पद सौंप दिया जाएगा। प्रजा में बीज बांट दिए गए और सभी चींटियों ने अपने अपने बीज ले लिए। सभी चींटियों ने बीज बो दिए। और उनका नियमित रूप से ख्याल रखने लगे। ऐसे कई दिन बीते और सभी बीजों में से पौधे उगाए। और जिसका सभी को इंतजार था वो दिन आ ही गया। सभी चींटियां अपने अपने पौधों के पास जाकर खड़े हो गए और राजा पौधों का निरीक्षण करने लगे। सभी पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र एक चींटी पर पड़ी जिसके पास कोई पौधा नहीं था। महाराज ने उस चींटी से पूछा, अरे तुम्हारा पौधा कहाँ है? क्या तुमने पौधा नहीं उगाया? नहीं नहीं महाराज, आपने जो बीज दिए थे मैंने उसे बोया, रोज नियमित रूप से पानी भी दिया, काफी देखभाल भी की, परंतु इसमें से कोई पौधा ही नहीं उगा। महाराज ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने कहा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे पास तो पौधा ही नहीं है, तो मैं विजेता कैसे भला? हाँ, तुम ही हो विजेता। ये परीक्षा थी ईमानदारी की। हमने जो भी बीज प्रजा में दिए थे वो सब खराब थे, उनमें से पौधे नहीं उग सकते थे, परंतु इन सभी ने इनाम के लालच में झूठ का सहारा लिया और दूसरे बीजों का इस्तेमाल करके सुंदर सुंदर पौधे उगाए। इसलिए तुम ही मंत्री पद के लिए नियुक्त किए जाते हो। सीख: हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है।